बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मैं कहानी सुना रही हूँ, मैंने बचपन में सुनी थी और मुझे मेरी बुआ जी ने सुनाई थी। एक मुझे याद है, आई थिंक कि मुझे याद ही रही है, मैं भूलूंगी नहीं। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि आप मृगछाला पर बैठते हैं और अपने भस्म लपेटी हुई अपने पूरे शरीर में, और नागों का हार आपने पहना है और मुंडों की माला पहनी है, ये सब क्या है? भगवान शिव ने कहा कि मृगछाला पर बैठकर जब मैं अपने आराध्य श्री राम का जाप करता हूँ तो मेरा मन बहुत लगता है, और भस्म इसलिए कि मैं सन्यासी हूँ, और मुंडों की माला मैंने इसलिए पहनी है कि तुमने इतने जन्म लिए हैं धरती पर, तुम्हारे पता नहीं कितने जन्म हुए हैं, इसीलिए ये हर एक जन्म का प्रतीक है ये मुंडों की माला। तो पार्वती जी ने कहा कि कुछ ऐसी ऐसा करो, कुछ कोई मुझे ऐसी अमर कथा सुनाओ कि जिससे मैं अमर हो जाऊं और ये बार बार जीवन मरण के चक्कर से मैं छूट जाऊं, मुझे दोबारा से जन्म ना लेना पड़े। तो भगवान शिव ने कहा कि इसके लिए बहुत ही एकांत वास की ज़रूरत होगी और मैं तुम्हें ये कथा ज़रूर सुनाऊंगा। तो कश्मीर की वादियों में भगवान शिव और पार्वती गए और उन्होंने बहुत ऊपर एक बहुत ही मनोरम स्थान गुफा को चुना। वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि ये बहुत ही मनोरम स्थान है और पार्वती जी को बहुत अच्छा लगा। तो सबसे पहले सब उनके साथ उनके गण भी थे, सब कुछ था। तो भगवान शिव ने कहा कि मुझे काफ़ी त्याग करना पड़ेगा तुम्हें कथा सुनाने से पहले। तो उन्होंने सबसे पहले नंदी को कहा कि तुम जो है मेरे साथ नहीं आ सकते हो। नंदी को उन्होंने पहलगाम, उसका नाम पहल से पहलगाम नाम हुआ, और वहाँ पर उन्होंने नंदी को छोड़ा। और जब वो आगे गए तो उन्होंने अपने जो उनके सर पे चंद्रमा रहता है उन्होंने चंद्रमा को भी उतारा, तो उस स्थान का नाम पड़ा चंदनवाड़ी। आगे गए तो उन्होंने अपने जो वासुकी जो उनके साथ वो नाग रहते हैं तो उनको भी उन्होंने कहा कि अब तुम यहीं पर रहो और मेरे साथ नहीं आ सकते, तो उस स्थान का नाम हुआ शेषनाग। और फिर जब उनके सर पर गंगा जी भी विराजमान थी, अब भगवान शिव ने गंगा जी को भी उतारा वहाँ पे, उन्होंने कहा गंगा भी मेरे साथ नहीं जा सकती है। तो गंगा को जहाँ उतारा वो स्थान हुआ शिव गंगा, वहाँ शिव गंगा बहती है, और जो आई थिंक जिन लोग वैष्णो देवी गए हैं वो वहाँ तक भी आती है, शिव गंगा कहलाती है वो, बहुत ही सुंदर नदी है। इस तरह से भगवान शिव जो है, पार्वती जी और भगवान शिव वहाँ जहाँ देखा कि उन्होंने हिमलिंग है, एक बर्फ का बना हुआ शिवलिंग था वहाँ पर, उन्होंने भगवान ने वो स्थान चुना उनको अमर कथा सुनाने के लिए। और भगवान शिव ने बहुत जोर से अपने डमरू का नाच शुरू कर दिया। तो पार्वती जी ने कहा कि आप ये क्या कर रहे हो? तो भगवान शिव ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर और कोई भी विराजमान ना हो, इसलिए मैं डमरू नाच कर रहा हूँ। मेरे डमरू की आवाज़ सुनकर जो भी कोई यहाँ पर पशु पक्षी जो भी कोई मनुष्य होगा वो सब जो है भाग जाएंगे, कोई यहाँ नहीं आएगा। और उनका वो डमरू का नाच बहुत ही भयंकर था, तो कोई भी वहाँ पर नहीं टिका, सब लोग जो थे वहाँ से चले गए, कोई नहीं था, कोई जानवर मनुष्य पशु पक्षी कुछ भी नहीं था वहाँ पर, वो बिल्कुल एकांतवास था। तो भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि अब ये बिल्कुल एकांतवास है और मैं तुम्हें अमर कथा सुनाता हूँ। उन्होंने पार्वती जी से कहा कि बस तुम मेरी एक शर्त है कि जब मैं ये अमर कथा सुनाऊं तो तुम सोना नहीं और बीच बीच में हुंकारें भरती रहना जिससे मुझे लगे कि तुम मेरी कथा को सुन रही हो। पार्वती जी ने कहा ठीक है, लेकिन संयोगवश उस गुफा के अंदर दो कबूतर के अंडे थे। जब भगवान शिव ने कथा सुनानी शुरू की तो उन अंडों से चूजे भी बन गए और वो दो कबूतर भी आ गए। वो दो कबूतर जो थे वो भगवान शिव की वो श्वेत रंग के बिल्कुल सफ़ेद रंग के कबूतर थे और वो भगवान शिव की कथा सुनने लगे, और पार्वती जी को संयोगवश नींद आ गई, कथा सुनते सुनते वो सो गई। लेकिन जब वो कबूतर थे वो बीच बीच में हुंकार भर रहे थे, तो भगवान शिव ने सोचा कि ये पार्वती जो है वो हुंकार भर रही है
और वो अपनी कथा सुनाते चले गए। काफी लंबी कथा थी, जब उनकी कथा पूरी हुई तो उन्होंने देखा कि पार्वती तो गहरी निद्रा में मगन है। उनको आश्चर्य हुआ कि फिर ये कथा किसने सुनी, हुंकारे कौन भर रहा था। तो उनको बहुत गुस्सा आया, उन्होंने गुस्से में कहा कि कौन कौन है यहाँ पर, किसने कथा सुनी है ये। तो बेचारे कबूतर आकर खड़े हो गए, भगवान हमसे ये अपराध हुआ है, हमने ये कथा सुनी आपसे। भगवान शिव ने उनको मारने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल निकाला, उन्होंने कहा कि भगवान हम तो निर्दोष हैं, हमें नहीं मालूम था कि यहाँ पर आप कथा सुनाने वाले हो, और आपने तो अमर कथा सुनाई है, वो हमने भी सुनी है, अब तो हम भी अमर हो गए हैं, आप जो हम वो हमें मत मारिए मत। भगवान शिव दयालु भी बहुत है, उन्हें उन दोनों कबूतरों पे तरस आ गया, उन्होंने उनको वरदान दिया कि तुम इस कथा इस गुफा में ही तुम रहोगे, विराजमान रहोगे, और जो तुम्हारे दर्शन करेगा वो उसको बहुत सौभाग्य मिलेगा और वो बहुत ही पुण्य कमाएगा तुम्हारे दर्शनों से। तो इस तरह से वो जो दो कबूतर थे वो उस गुफा में रहे, और ये बहुत ही कुछ बहुत सौभाग्यशाली लोगों को कभी कभी उस गुफा में अभी तक भी वो दो सफ़ेद कबूतर जो हैं वो विराजमान हैं, और बहुत सौभाग्यशाली लोगों को उनके दर्शन भी होते हैं। मेरे पेरेंट्स गए थे 1978 में और उनको दर्शन हुए थे वो सफ़ेद कबूतरों के, मुझे कभी नहीं हुए, मैं कभी नहीं गई। फिर उसके बाद एक कड़रिया था जो गाय चलाता था, वो उस स्थान पर पहुंचा, उसने देखा कि यहाँ पर जो है बहुत ही कुछ अजीब शांति है और इतने दो बस कबूतर हैं। तो उसको फिर उसने उस स्थान को खोज किया और उस फिर अमरनाथ जी की वो गुफा मिली, और इस तरह से अमरनाथ की यात्रा शुरू हुई। सावन के महीने में वो होती है। थैंक यू वेरी मच।